तो प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज आपको एक नई टेक्निक बहुत ही शानदार, आपने देखा होगा कि आपको स्क्वायर रूट की बहुत प्रॉब्लम आती है, वो नंबर्स खास तौर पे जिनका स्क्वायर रूट आपको मालूम नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि आपको स्क्वायर रूट अगर 9 का मालूम है पर स्क्वायर रूट 10 का नहीं मालूम है, स्क्वायर रूट 4 का मालूम है, स्क्वायर रूट 5 का नहीं मालूम है, स्क्वायर रूट 25 का मालूम है, 24 का नहीं मालूम है, 26 का नहीं मालूम है, तो हम उनके स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक बहुत कमाल की तरकीब के साथ आए हैं। और फिर मैं सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप मेरे साथ बने रहें, आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। उसके लिए आप बस आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कोई जादू वाली विद्या नहीं है, मैथमेटिक्स का एक एप्लीकेशन है। ये चीज़ है रूट ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू रूट ए प्लस डेल्टा ए अपॉन टू रूट ए। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो फिर आप स्क्वायर रूट निकालने के विजेता हो गए। जैसे मैं आपको पहला स्क्वायर रूट बोलता हूँ कि आप 26 का निकाल लो, तो 26 को आप क्या लिख सकते हो, 26 को आप लिख सकते हो रूट 25 प्लस 1। ये कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है, ए इज वॉट, ए वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आता है। ए इज अ नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नोन टू यू, जिसका स्क्वायर रूट हुज स्क्वायर रूट नोन टू यू, जिसका आपको स्क्वायर रूट आता है। हाँ, और वो नंबर जो होना चाहिए वो डेल्टा ए, ये जो डेल्टा ए है ये बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, ये भी याद रखना। तो दो चीज़ें हैं, देर आर टू कंडीशंस, डेल्टा जो ए है वो बहुत छोटा होना चाहिए, किससे बहुत छोटा होना चाहिए, ए से बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए, और छोटा नहीं है तो छोटा तो देखें आप, फिर उसको समझते हैं हम। इसमें ए क्या चीज़ है, इसमें ए की ए है आपका 25 और ये है आपका डेल्टा ए। तो इसको अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ ए, रूट ऑफ 25 प्लस डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना है आपका इस केस में, 1 अपॉन में कितना है, टू रूट 25। तो रूट 25 इज 5 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डेल 25 का स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 बाय 10। 5 प्लस 1 बाय 10 कितना होता है, 1 बाय 10 होता है 0.1। तो ये आ गया आपका आंसर दोस्तों 5.1। अब आप घड़ी की सुई से चल सकते हैं और आप देखें कि हम अगला केस जो है वो कैसे निकालते हैं। आसानी से देखिए, आपने देखा होगा कि आपको स्क्वायर रूट 9 का आता है, पर अगर आपके पास स्क्वायर रूट 10 हो जाए, स्क्वायर रूट 11 हो जाए, तो मान लीजिए कि आपके पास स्क्वायर रूट 11 है, तो स्क्वायर रूट 11 में आप कैसा लिखेंगे इसको, इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट 9 प्लस 2। ये जो है ये काफ़ी छोटा होना चाहिए इसकी तुलना में, अगर इसको छोटा नहीं लिया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें, रूट ओवर ए, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस 2 डेल्टा ए। क्या है इसमें, ये ए है आपका और ये कौन है आपका, ये डेल्टा ए, तो ये डेल्टा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए 2 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 9 इज 3 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3, 3 प्लस 1 बाय 3, 1 बाय 3 की वैल्यू आपने देखी होगी 0.33 आती है, तो ये हो जाएगा 0.33, क्योंकि 3 3 जा 9। ध्यान से देखो, आप 1 से डिवाइड कर, 1 को डिवाइड अगर 3 से करेंगे तो 3 से ये 1 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक डेसिमल लगा लें और डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9। अगर आप सिंगल डिजिट तक इंटरेस्टेड है तो आगे की बात को छोड़ दें, आप छोड़ सकते हैं। अब आप ऐसा देखिए कि आपके पास एक स्क्वायर रूट, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 है, 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है, लेकिन आप पता लगाना चाहते हो कि स्क्वायर रूट 99 का क्या होगा। तो 99 के लिए आप क्या करेंगे, 99 के लिए आप इसको ऐसा लिख दें, 100 प्लस माइनस 1, प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, तो 100 माइनस 1 ही हो गया ये, तब ये आपका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट ए यानी 100 प्लस
माइनस वन, माइनस वन क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए की जगह, अपॉन में आ जाएगा टू इंटू अंडर रूट हंड्रेड, हंड्रेड का स्क्वायर रूट होता है टेन, माइनस वन अपॉन टू इंटू हंड्रेड का स्क्वायर रूट टेन, तो ये हो जाएगा आपका टेन माइनस वन बाय टेन ट्वेंटी। अब वन बाय ट्वेंटी के लिए आपको डिवीजन का टेक्निक इस्तेमाल करना है, तो डिवीजन के टेक्निक के लिए मैं आपको फिर से डिवीजन पे भी डिस्कशन करेंगे कभी हम, अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जैसे आप देख लें कि अगर आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 10 माइनस 1 बाय 2 कितना होता है 1 बाय 2.5, 1 का हाफ 0.5, अपॉन में कितना बच गया 10, अगर आप इसको कर देंगे तो 10 माइनस ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 0.05, 10 माइनस 0.05, क्योंकि ये अगर 10 है ये 0 हटेगा तो डेसिमल के आगे एक और नंबर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9.95, ये आपका नंबर है, ये आपका आंसर है। और अगर आप 20 से डिवाइड करना चाहते हैं 1 को तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 1 को डिवाइड करें 20 से, ये डिवाइड किया आपने 20 को, अगर नहीं जा रहा है तो आपको एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, एक जीरो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अभी भी अगर आपका डिवीजन नहीं हो रहा है तो एक जीरो और लगाइए फिर एक जीरो लगाइए। अब देखिए 25 जा कितना हो गया आपका, 25 जा हो गया 100, अब आपका ये डिवाइड हो गया, तो ये इस तरीके से आपने निकाला। और भी आप कोशिश करिए और बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे लिख भेजिए, हम आप मिल करके कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे। आप थे डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बात दूर दूर तक फैले। विश यू ऑल द बेस्ट।